मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी पुष्कर जिंदाबाद नरेंद्र मोदी पुष्कर जिंदाबाद पुष्कर धामी राम सिंह जिंदाबाद नमस्कार स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशौ प्रेदी कहते हैं वक्त कब कहाँ और किसका बदल जाए इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कब राजा रंक बन जाए और कब फकीर अमीर बन जाए इसको कोई नहीं जानता है कुछ ऐसा ही हाल हुआ है एच ब्रांड का अब आप सोच रहे होंगे कि हम एच की बात क्यों कर रहे हैं दरअसल बीता दिन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है हम आपको बता दें कि बीते दिन भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को जो एच की 45 एकड़ भूमि थी उसको हस्तांतरित कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार के लिए मानी जा रही है आपको बता दें कि एक समय था जब एच की घड़ियों का कारोबार देश से लेकर विदेश तक फैला हुआ था एच एम घड़ियाँ लोगों को काफ़ी पसंद आती थी लेकिन उत्तराखंड की शान समझी जाने वाली एच फैक्ट्री में साल 2016 से ताला लटक गया फैक्ट्री और आवासीय कॉलोनी खंडर हो चुकी हैं। एक दौर था जब एच की घड़ियाँ लोगों के दिलों पर राज किया करती थी और हल्द्वानी शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश तक एच की घड़ियाँ मशहूर थी आपको बता दिए कि कुमाऊँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के रानीबाग में एच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी साल उन्नीस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से इसको स्वीकृत किया गया था उसके बाद जो उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी थे उनकी ओर से उन्नीस में इसको जो था वो शिलान्यास किया गया था उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तब इसका उद्घाटन किया गया था भारत सरकार ने एच की पैंतालीस दशमलव तीन तीन एकड़ भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया है इस बारे में भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एच की पैंतालीस दशमलव तीन तीन एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को बहत्तर करोड़ दो लाख दस हज़ार की रिजर्व प्राइस पर हस्तांतरित की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त करा है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भीमताल की जो विधायक हैं राम सिंह केहड़ा जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं ये जो एचएमटी आप देख रहे हैं एचएमटी जो ये कंपनी है ये इसी विधानसभा के अंतर्गत आती है जिस विषय में आज ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब जब ये उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित हो गई है तो अब यहाँ पे क्या कारोबार किया जाएगा लोगों को क्या रोज़गार मिलेगा और कब तक ये जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जे जे एन एक बहुत बड़ा फैसला कर भारत सरकार की ओर से लिया गया है एच की पैंतालीस एकड़ भूमि लगभग उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की गई है कैसा मानना है इस देश देखिए आज जितने भी हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं नैनीताल जिले के लोग उत्तराखंड के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि गत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी कि बहुत जल्दी इस जो एच फैक्ट्री में जितनी भी लैंड है ये भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार से हम उत्तराखंड सरकार को इसको ले के इसमें एक मिनी स्टेडियम बनाने का वो काम करेंगे तो बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में माननीय भारी उद्योग मंत्री पांडेय जी ने और माननीय मोदी जी ने आज हमारी उत्तराखंड सरकार को एच जो कारखाना है और जो ज़मीन है इसको उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया है तो इसके लिए मैं पुष्कर धामी जी के प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसमें मोदी जी का आशीर्वाद सबका आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही क्षेत्रीय सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि सबके प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अच्छी एक अच्छी शुरुआत कर दी है कि यहाँ के लोगों को स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और हमें जो ये कारखाना बंद हुआ था इसका उपयोग उत्तराखंड सरकार यहाँ की जनता के हित में कुछ न कुछ यहाँ पर उद्योग लगाएगी या जो भी काम करेगी यहाँ के लोगों के हित में होगा वो तो क्या लगता है कब तक ये जो काम है वो शुरू हो जाएगा देखिए एच कारखाना और भूमि हस्तांतरित हो चुकी है और आगे की प्रक्रिया में सरकार लगी है बहुत जल्दी माननीय धामी जी के नेतृत्व में कुछ न कुछ खुशखबरी हमारे लोगों को शिटकुल के रूप में यहाँ पे मिलेगी और जो माननीय पुष्कर धामी जी की घोषणा है वो घोषणा पूरी होगी और हमारे स्थानीय लोगों को हर, हर अलग अलग प्रकार का रोज़गार मिलेगा और किसी को जो बेरोजगार है उनको रोज़गार के रूप में किसी को दूसरे अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाने के रूप में और किसी को तीसरे रूप में यहाँ लाभ मिलेगा और अगर जहाँ भी छिटकुल खुलता है कि आज आप देखिए सितारगंज में वहाँ के स्थानीय बेरोजगार जो है सबको रोज़गार मिल रहा है कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो कोई पार्ट्सों को इधर से उधर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में लेने का ठेका ले रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं कोई तीसरा काम करते हैं तो अपने को वहाँ पर लाभ लेने का पूरा प्रयास करते हैं कि सरकार को भी लाभ मिलता है उनको भी लाभ मिलता है तो चाहे सिद्धारगंज हो चाहे पंतनगर हो चाहे रुद्रपुर में हो वहाँ पर शिडकूल खुला तो वहाँ के लोगों को रोज़गार और लाभ मिल रहा है अगर आज हमारे एच कारखाने में यहाँ पर मिनी शिटकुल अगर खुलता है

जब उस जमीन को वापस लेंगे जिसमें पूरा पूर्ण परिसर जो एच का है वो लगभग पिचासी एकड़ का होगा तो उस जमीन को सब वापस स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी तब मिनी शेड्यूल की स्थापना करना उचित होगा क्योंकि उसके लिए पूरा सिस्टम बनेगा तो हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो जमीन उनने अपने वापस ले ली की वो फैक्ट्री के नाम सेटकुल के नाम दे और साथ में वन विभाग की तैंतीस एकड़ भूमि भी वह शेडकूल को मिलेगी तब यहाँ पर मिनी की स्थापना ठीक ढंग से हो सकती है मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि जो 45 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को सभी व्यवस्थाएं करनी होती है और वहाँ पर व्यवस्थाओं की कम, जमीन की कमी हो जाएगी अच्छा तो जो ये लोग यहाँ पे रह रहे है जो यहाँ पे काम करते थे एच फैक्ट्री में क्या उनका बी पहले दे दिया गया था हाँ सबको बी दिया है मतलब कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 146 लोग ऐसे थे जिनको बी आर एस जिन्होंने बी लेने से मना किया है और वो गवर्नमेंट की एक निश्चित समय की योजना थी तो वो बंद हो गई इसलिए वो लोग लटक गए फिर लोग हाई कोर्ट गए कोई सुप्रीम कोर्ट गए इसलिए मामला उनका लटका हुआ है नहीं तो बी आर सबके स्कीम सबको दी गई थी अच्छा तो उन लोगों ने लेने से मना कर दिया हाँ उसमें मना किया तो इसलिए फंस गए अभी क्या लग रहा है यहाँ पे जो मिनी से बनेगा उससे उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा उनको क्या रोजगार दिया है वो तो आप सब रिटायरमेंट के दौर में कोई पचास साल के कोई साल साल हैं वो तो मुझे लगता है कि नौकरी के ये उसमें नहीं आ पाएंगे जो उनके जो बच्चे हैं हाँ, बच्चों को लिया जा सकता है मतलब तो कोई आवश्यक थोड़ी कि उन्हीं के बच्चों को लिया जाएगा जो योग्यता प्राप्त होंगे वो लिए जाएंगे या नहीं की मेरा बच्चा ही लिया जाएगा और मैं योग मेरा बच्चा योग्य नहीं है तो कैसे लिया जाएगा जैसे कि एचएमटी कॉलोनी में वहाँ रह रहे हैं तो उनको वहाँ से कहा शिफ्ट किया जाएगा

बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा एक नई पहल जगी है काफ़ी उत्साह है लोगों में अच्छा रहेगा आज लोग यहाँ से सितारगंज रुद्रपुर जा रहे हैं उनको वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा अपने स्थानीय अपने घर के आगे से रोजगार मिलेगा तो आप लोग क्या यहीं पे काम करते थे जब ये संचालित होती थी फैक्ट्री नहीं ना मैं तो इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ ग्राम पंचायत अमृतपुर और वैसे एडवोकेट हूँ

और अच्छा समय कटेगा साथ की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद है 2016 से कंपनी में ताला लगा हुआ था कितनी परेशानियाँ हो रही थी तब से तब तो परेशानियाँ लोगों की सब्जी बिकती थी दूध बिकता था नौकरी लोगों के बोलते कोई से एक आदमी कम से कम नौकरी में रहा मगर कुछ भी नहीं है सब बेरोजगारी फैल गई है सर हम ऐसा नमस्कार हाँ नमस्कार आपका नाम मैं हरीश बलड़िया मैं छः एच एम सी था पहले आप यहाँ पे काम करते हैं जी 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 दो हज़ार सोलह में मैंने बी आर एस लिया था तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी बी आर एस की बी आर एस लिया था उसके बाद अब हम घर पर ही हैं तो अभी ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको हैंड ओवर कर लिया अपने पर और हम ये चाह रहे हैं कि भविष्य में कोई सेटकुल खुले कोई कंपनी ऐसी खुले जिसमें आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को रोज़गार मिले ये नहीं कि मतलब उत्तराखंड सरकार किसी के निजी हाथों में सौंप दे इसको हम ऐसा नहीं चाह रहे हम ऐसा चाह रहे हैं कि वाले छोटे छोटे शेडकूल के रूप में मतलब छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिसमें कि हमारे लोकल के लोगों को बच्चों को रोजगार मिले और वो भी स्थाई अस्थाई रोजगार नहीं स्थाई रोजगार मिले तो हमारे बच्चों का जीवन जो मतलब अभी तक रुका पड़ा है वो उनका अच्छा आगे को हो जैसे कि 2016 में कंपनी में ताला लग गया था कारण क्या था क्यों बंद हुई कंपनी का, कारण ये था कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ थी पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर था ये ये तो इसमें गवर्नमेंट का ही शेयर होता है ज़्यादा तो घाटे में चल रही थी ये उतनी टेक्नोलॉजी आके कर नहीं पाए मैकेनिकल घड़ियाँ बनती थी इसमें चाबी वाली और फिर आगे को टाइटन की कंपनियाँ आई दूसरी कंपनियाँ घड़ी के आई जो अच्छी वाचें बनाती थी हाँ तो जिसको नई पीढ़ी पसंद करती थी ये पुरानी पीढ़ी की पसंद थी ये चेंज कर नहीं पाए इसको तो इसलिए मार्केटिंग इसका ख़त्म होते गया तो इनको फिर मजबूरन इनको बंद करना पड़ा मुआवजा दिया इसको अच्छा मुआवजा दिया वैसे ऐसा कुछ नहीं है भारत सरकार ने तो इसमें लोगों ने स्वेच्छा से लिया बी लिया वॉल्टी रिटायरमेंट लिया जब कंपनी बंद हुई तो क्या कर्मचारियों को उनका पैसा पूरा दे दिया गया था दे दिया गया था उस, उस समय लेकिन कुछ लोग जो रुके थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई अब हम हम अभी नहीं जाना जा रहे हैं हमारे दस साल की जॉब है और ये है वो है करके तो उस समय ये लोग फिर केस किया तो हार गए तो उसमें ये पाया गया कि गवर्नमेंट ने स्वतः ही बंद करी तो इनको ऑप्शन दिए गए तीन बारा कि आप अभी आर ले लीजिए ले लीजिए करके इन्होंने नहीं लिया रुके पड़े थे तो ये केस हारे तो अभी रुके पड़े हैं कुछ एक सौ कर्मचारी अभी भी हैं बी आर एस की बात बताई है क्या होता है ये हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए जी बीआरएस आर तो एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है तो रिटायरमेंट मन मन से आप मन से हाँ। आर एस का मतलब है रिटायरमेंट स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो हम स्वेच्छा से लेते हैं हमने स्वेच्छा से लिया है किसी की जबरदस्ती से नहीं लिया है स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली कि भाई हम ये स्कीम निकाल रहे हैं तो हमने स्वतः ही साइन कर करके अपना मुआवजा लिया है मुआवजा कितना दिया गया मुआवजा पाँच साल का वेतन उसके बाद जीवन यापन किस तरह से किया गया जीवन यापन कुछ नहीं उसी पैसे से कर रहे हैं हम जा, जैसे ग्रेजुएटी वगैरह सारी मिलती है उसमें पाँच साल का वेतन देते हैं ग्रेजुएटी देते हैं जितने साल की जॉब हुई उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है और सभी जो छुट्टियाँ बची हैं छुट्टियों का पैसा मिलता है कई चीज़ें इसमें मिला मिलू करके वो देते हैं लगभग समथिंग पैंतालीस पचास लाख के आसपास नमस्कार नमस्कार जी आपका नाम डी के शर्मा ग्राम प्रधान अमृतपुर आप अमृतपुर के ग्राम प्रधान हैं एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कितना सहमत है हम सौ प्रतिशत इससे सहमत हैं माननीय मुख्यमंत्री मु... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इन साथ में हमारे भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ये जी अजय भट्ट जी का और साथ में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैड़ा जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं क्या लगता है मिनी सिटकुल बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है कितने रोजगार के अवसर मिलेंगे रोजगार के अवसर यहाँ पर कई किसी प्रकार से भी खुल सकते हैं क्योंकि पहले भी जब यहाँ फैक्ट्री यहाँ पर संचालित थी उन्नीस से तब भी यहाँ पर रोजगार के अवसर खुले थे लेकिन 2016 के बाद ये फैक्ट्री बंद कर दी गई उसके बाद यहाँ पर सारा सब कुछ बंद हो गया था अब एक पुनः एक अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर कुछ भी सिटकुल मिनी सिटकुल चालू होता है तो क्षेत्रीय युवाओं को नौकरी का स्वरोजगार का मौका मिलेगा क्षेत्र में एक हरियाली छाएगी पुनः दोबारा ऐसी आपने बताया की दो हजार सोलह में कंपनी में डाला लग गया था उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी थे क्या उनको बी दिया गया था उनको बी दिया गया था कुछ लोग शायद सैतालीस लोग उसमें रह गए हैं तो उनका भी एक या सैतालीस लोग हैं उनका भी माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में उनका केस चल रहा है वहाँ पेंडिंग है उनका पेंडिंग पैं, कुछ तो हमें लोग बता रहे थे कि वो केस हार चुके हैं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मतलब उनको उनकी उनकी बिना सहमति से मतलब उनको मंजूरी नहीं था बी नहीं उनको मंजूर नहीं था ये तो वो लोग बताएंगे नहीं वो उन्होंने लिया या नहीं लिया ये तो वो लोग बताते हैं क्योंकि मामला हाई कोर्ट में इस मामले में कुछ नहीं कर सकते तो देखा आपने हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया है कि जो एच की 45 एकड़ भूमि है वो उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित हो गई है और अब यहां पर जो सिंह केड़ा जी ने हमसे बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मिनी सिडकुल की स्थापना की जाएगी जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही यहाँ पे रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ का जो काम है वो शुरू किया जाता है क्योंकि एच फैक्ट्री बहुत सालों से चर्चाओं का विषय थी 2016 में इसमें ताला लग गया था उसके बाद अब बहुत चर्चित ये मामला था उत्तराखंड सरकार लगातार भारत सरकार से इसको उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मांग कर रही थी और जिसे अब भारत सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर यहाँ के लोगों के लिए भी है क्योंकि यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे और मिनी सिटकुल की यहाँ पे स्थापना करने की बात हो रही है और देखना ये दिलचस्प होगा कब तक यहाँ पे जो ये कार्रवाई है मिडी मिनी सिटकुल बनाने की ये कब तक अमल में लाई जाएगी और कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा जे जे की इस खास रिपोर्ट में इतना ही मैं अपने सहयोगी समय शाह के साथ निशा उप्रेती जे जे न्यूज हल्द्वानी नमस्कार